अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपके पेट्स भी ठीक ठाक होंगे। मैं आया था ऊपर परिंदों को दाना वगैरह डालने के लिए, तो आगे दोस्तों मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, परिंदे भी काफ़ी परेशान हैं। तो सबसे पहले तो कबूतरों को बाहर निकाल देते हैं, इनको दाना पानी डालते हैं। आ जाओ भाई। कबूतरों की दोस्तों मैं आपको अपडेट देता चलता हूँ। यहाँ पे लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा था कि यहाँ पे दो बच्चे निकले थे, वो भी मर गए। इधर एक बच्चा निकला था, ये माशाल्लाह से बड़ा हो गया अब काफ़ी। मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, इसके पर देखें माशाल्लाह से, ये काफ़ी बड़ा हो गया हुआ है। बाकी कबूतरों को दोस्तों बाहर निकाल देते हैं, ये बाहर आके दाना पानी खा लें। तो दोस्तों कबूतर तो बाहर निकल आए हैं, अपना दाना वगैरह खा रहे हैं। जब तक ये दाना वगैरह खाते हैं तब तक मैं आपको अपनी मुर्गियों से मिलवाता हूँ। माशाल्लाह से दोस्तों ये तीनों मुर्गियाँ तो बेहतरीन है, ये ठीक है, इनको कोई बीमारी नहीं लगी। और माशाल्लाह से दोस्तों ये मुर्गा मुर्गी भी ठीक रह गए, इनको भी कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बेहतर है, इनको वैक्सीन वगैरह मैंने सबको की हुई है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा हमारी इस वाइट मुर्गी के साथ दो चिक्स थे, एक चिक तो हमारा एक्सपायर हो गया दोस्तों, दूसरा इसकी हालत बहुत ख़राब है। एक चिक दोस्तों जो हमारा बचा हुआ था, इसकी आइज़ को पता नहीं क्या मसला हुआ है, आइज़ में इसकी इन्फेक्शन है, इसकी दवाई वगैरह भी चल रही है, इसको सिरप वगैरह दे रहा हूँ मैं। दोस्तों इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं कौन सी बीमारी ने अटैक किया हुआ है मेरी मुर्गियों के ऊपर। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी मुर्गियों के ऊपर किस बीमारी ने अटैक किया हुआ है, लेकिन तो इनको दवाई वगैरह तो मैं दे रहा हूँ अपने टाइम पे, दिन में 3 टाइम इनको दवाई दी जा रही है, लेकिन इसका भी मुझे डर ही लग रहा है कि ये नहीं बचेगा। खैर चलें दोस्तों, जो किस्मत में हुआ वो तो देखी जाएगी। तो चलें दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो मैं अपने बर्ड्स लेकर आया था मैं आपको मिलाता हूँ। माशाल्लाह से ये प्यारे प्यारे कॉकटेल लेकर आए थे। ये वाली जो फीमेल है ये तो पहले दिन काफ़ी सुस्त थी, लेकिन माशाल्लाह से ये बेहतरीन होगी। आज इनका कैल्शियम ब्लॉक भी लगाना है। तो ये मेल के देखें दोस्तों किधर चढ़ रहा है। अरे इनको दाना पानी भी देते हैं, इनके पानी में कीड़ियाँ घुसी हुई हैं, इसको भी साफ करके पानी देते हैं। डायमंड डव दोस्तों हमारी बेचारी अंडे देती है, अंडों में से अंडों में बच्चे भी बनते हैं लेकिन बच्चे निकलते नहीं हैं। ये देखें दोस्तों, इसका अंडे में बच्चे बनते हैं लेकिन बच्चा बाहर निकल नहीं सकता। एक बच्चे को मैंने निकालने की कोशिश की लेकिन वो भी मर गया। ये अंडा भी दोस्तों ज़ाया ही हो गया, इसको फेंक देते हैं। इनके अंडों की समझ नहीं आ रही, ये अंडे बेचारे देते तो हैं, मेहनत बड़ी करते हैं, फीमेल बेचारी सारा सारा दिन रात बैठी रहती है लेकिन बच्चे नहीं निकल पाते इसमें से। फिंचेस का भी दोस्तों ऐसे ही है, ये अंडे देती हैं, बैठती हैं, कैल्शियम ब्लॉक भी इधर लगा हुआ है लेकिन बच्चे नहीं बन रहे, उनमें अंडे फर्टाइल नहीं होते, पता नहीं क्या मसला है, बच्चे निकलते ही नहीं हैं, अंडे ही अंडे पड़े रहते हैं। ये कुछ दिनों बाद उठा के खुद ही फेंक देती हैं नीचे। ये देखें दोस्तों, अंडे अंदर पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं लेकिन इनके अंदर बच्चा नहीं बनता। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अंडे इनमें मटकियों में बहुत, दोनों मटकियों में अंडे हैं, दोनों पेयर ब्रीड कर रहे हैं लेकिन इनमें अंडे फर्टाइल नहीं है, बच्चे निकलते नहीं हैं, अंदर पड़े पड़े ही अंडे ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों बजिस का भी यही है, बजिस भी माशाल्लाह मैं लास्ट लेकर आया था दो। एक तो ये वाला बेचारा जो हमें मिला, जब हम घर ले आए दोस्तों तब पता चला ये बेचारा पाँव से माजूर है, इसके पाँव ठीक नहीं है। और एक फ़ीमेल दोस्तों अंडों पे बैठी हुई है, मेरे ख्याल मटकी में अंडे हैं। ये देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रही होगी, फ़ीमेल का सर नज़र आ रहा होगा। खैर इसको छेड़ते नहीं है, ये अपने अंडों पर बैठी रहे। और डव का पेयर जो है माशाल्लाह से ये भी ठीक है, ये भी दोस्तों ब्रीड करने को तैयार है। इस दाने वाले बर्तन में मेल बैठता है, जाके अपनी फीमेल को बुलाता है, लेकिन दोस्तों हम इसके लिए आज एक कोई बर्तन लेकर आते हैं, इसको केज में रखेंगे। केजी भी दोस्तों तो सारे के सारे ख़राब हुए हैं, बीमारी भी दूर हो गई है दोस्तों, पूरा सेटअप ही साफ़ करने वाला हुआ है, छत पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी मची हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों कबूतरों के लिए पानी ला के रखते हैं ताकि ये अपना इंजॉय कर सके गर्मी में, और इन परिंदों को भी दाना पानी डालते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों पूरे सेटअप की आज सफाई करेंगे, केजेस की सफाई करेंगे और यहाँ पे स्प्रे करेंगे ताकि मजीद कोई बीमारी ना बन सके। तो दोस्तों कबूतरों ने तो नहा नहा के पानी पानी कर दिया यहाँ पे, और साथ ही साथ जब तक ये नहा रहे थे मैंने इनके केज की सफाई कर दी है। माशाल्लाह से दोस्तों कितना साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं कभी भी इसको साफ सुथरा नहीं रहने देंगे। अभी थोड़ी देर ही इन्होंने अंदर आना है, दाना भी फेर देना है, इन्होंने इतना दाना ज़ाया करते हैं हद से ज़्यादा। दोस्तों ये देखें, मैंने इस दफ़ा घर जो है ना इनका एक एक ईंट मैंने ज़्यादा लगाई है, क्योंकि इधर भी बच्चे थे और इधर भी बच्चे थे, दोनों में आपस में लड़ाइयाँ हुई, इधर भी बच्चे मर गए, उधर भी एक बच्चा मर गया। और तीसरा घर भी दोस्तों हमने इनका लिए बना दिया, क्योंकि अब माशाल्लाह से हमारे पास 6 कबूतर हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी ब्रीड करने के लिए रेडी हैं, थोड़े अर्से तक ब्रीड करेंगे, तो इसलिए मैंने इनके लिए घर एडवांस में बना दिया, जिसका दिल करता है जिधर दिल करता है वहाँ पर बैठे। दोस्तों इन केजेस की बारी है, अब इन केजेस को साफ करता हूँ। सबसे पहले ये मुर्गी और मुर्गा बाहर निकाल के इनकी सफाई कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले ये है कि कबूतर अपने घर में चले जाएं। इनका नहाने के अभी दिल ही नहीं भरा, नहा नहा के इन्होंने सारा पानी बाहर गिरा दिया। चलो भाई घर जाओ। चलें दोस्तों, सारे पिजन्स अपने अपने घर चले गए हैं, पानी इनके पास पड़ा है, ये बच्चा अपनी माँ बाप से फीड मांगने के लिए आ गया। खैर दोस्तों इनको बंद कर देते हैं। मैं दोस्तों बाकी के केजी साफ कर लेता हूँ,
और बाकी सेटअप की जो सफाई है वो शाम को करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी से बुरा हाल हुआ है। अभी मैं सोच रहा हूँ ये बर्ड्स वाले केजेस की और मुर्गियों वाले केजेस की सफाई करके नीचे चलते हैं, नीचे चल के आराम करेंगे, शाम को इंशाल्लाह आके सारी सफाई करेंगे छत की। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और मैं भी ऊपर आ चुका हूँ और मेरे साथ आया है हमारा जैक। हेलो जैक, मिठू क्या हुआ क्या हुआ? हाँ जी क्या हो गया? अच्छा सॉरी मिठू पुत्र हाँ जी चल मिठू अभी अपने केज पे बैठ जाओ। आज काफ़ी दिनों बाद दोस्तों हमारा जैक ऊपर आया, क्योंकि जितने दिन यहाँ पे चूज़े वगैरह बीमार रहे हैं मैंने उतने दिन जैक को ऊपर नहीं लेकर आया, आज ही लेकर आया हूँ। खैर दोस्तों अब बारी इन केजेस की सफाई करने की थी। दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं भाग गया था यहाँ से। दोस्तों ये वाला चूज़ा वैसे का वैसे ही है, ये है कि सुबह इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, दवाई वगैरह अब इसने पी है। अभी भी शाम को भी मैंने आके इसको दवाई वगैरह डाली है, अब उम्मीद है कि ये कुछ बेहतर होगा। दोस्तों इसकी आंखें बिल्कुल ही नहीं खुल रही। खैर ये भी अपने केज में ही रहे, इस मुर्गी मुर्गे को बाहर निकाल देते हैं ताकि केज की हम सफाई कर सकें। ये रहे दोस्तों इन सब केजेस की सफाई हो चुकी है। ये लें दोस्तों सेटअप की सफाई हो चुकी है माशाल्लाह से, सारे केजेस भी हमारे साफ़ हो चुके हैं। इनको सिर्फ पानी रखना है और इनका पानी वगैरह रखा हुआ है, दाना रखना है। बाकी दोस्तों आज के हमारे काम यही थे जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। खैर अभी ये देखें दोस्तों पेयर फुल लगा हुआ है इनका, बस ये है कि इनके सिर्फ एक हंडिया रखने की देर है दोस्तों, फिर ये अच्छी तरह ब्रीड करेंगे माशाल्लाह से। और हमें बहुत इंतज़ार है कि डव के हम बच्चे देखें, डायमंड डव के बच्चे तो नहीं देख सके हम, इसके ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।